शुक्रवार सवेरे उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके से एक बड़ी खबर आई। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात यहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये पुलिस टीम वहां पर विकास दुबे नामक अपराधी को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां पहुंचने पर अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी घायल हुए हैं उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन्स से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई।